नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, जिनके लिए सूर्य जो उत्तरायण हुआ है मकर संक्रांति के बाद, कुछ अच्छे दिन आने के आसार दिख रहे हैं। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि सूर्य के उत्तरायण होने से बदरपुर क्षेत्रवासियों का क्या तात्पर्य है, उनके विकास से इसका क्या तात्पर्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक दो दिन पहले ही मीठापुर में, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने एक पार्क का उद्घाटन कर बदरपुर वालों को नया तोहफा दिया, वहीं क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं नारायण दत्त शर्मा, उसने गलियों में पानी जाम रहता है, सड़कें टूटी हुई रहती है सीवर के कारण, उस सीवर का उन्होंने उद्घाटन कर दिया। और उधर क्षेत्र के पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी ने बदरपुर में जो DDA फ्लैट है उसके लिए एक गेट का निर्माण करवाने के लिए उद्घाटन किया है। तो ये तीन बड़े काम हुए हैं तीनों नेताओं के द्वारा। BJP के जो पूर्व विधायक हैं रामवीर सिंह विधूरी जी, उनके अथक प्रयास से यहाँ एक पार्क का उद्घाटन किया गया, और वर्तमान विधायक के द्वारा सीवर लाइन का उद्घाटन किया गया, और वर्तमान में जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक हैं राम सिंह नेताजी, उनके द्वारा एक गेट का निर्माण कार्य कराया गया। तो इसे आप क्या कहेंगे, बदरपुर वालों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं या नहीं। इससे पहले हमने आपको पार्क का न्यूज दिखा चुका है, और आज हम आपको हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार द्वारा जो राम सिंह नेता ने गेट का शिलान्यास किया है, उसके बाद हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने राम सिंह नेताजी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है। आइए देखते हैं अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा में हूं, और यहां की समस्याओं से यहां की जनता जूझ रही है, जिसके लिए लगातार हम यहां के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक से बातचीत कर रहे हैं, और इन समस्याओं से कैसे छुटकारा मिल सकती है यहाँ की जनता को, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने वर्तमान विधायक का भी इंटरव्यू लिया था, और उससे पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामवीर विधूरी जी का भी लिया था, और आज हमारे साथ इस क्षेत्र के दिग्गज नेताओं में से एक राम सिंह नेताजी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेताजी मोबाइल में। तरह आपने प्रयास इस क्षेत्र के लिए किए हैं, जो विकास के कार्य आपके द्वारा किए गए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे वर्तमान समय में क्षेत्र की जनता को? सर, जो हमने काम किए हैं वो क्षेत्र के तमाम सम्मानित साथियों को पता है कि जो काम, या अब NTPC की दीवार हटाने का काम हो, खानों में जो कूड़ा डालने का काम उसे बंद कर वह 12वीं तक का और 5वीं तक का स्कूल खुलवाने का काम किया हो, नहर के ऊपर पुल बनाने का काम किया हो, बिजली का ग्रेड बनाने का काम किया हो, खड्डा कॉलोनी में स्कूल बनाने का काम किया हो, जितने भी जो हाई टेंशन तार उनको हटाने का काम किया हो, तमाम कॉलोनियों में रोड नाली का काम किया हो, तो हमने जो कुछ कर सकते थे अपने कार्यकाल में बहुत काम किए शीला दीक्षित के माध्यम से। रामवीर सिंह विधूरी विधायक थे और आप भी विधायक बने, उस समय में भी इसी तरह के तोड़फोड़ किए जाते थे क्षेत्र में क्या? हमारे टाइम में कभी तोड़फोड़ नहीं हुई, और ना नहर पार एक व्यक्ति के मकान नहीं टूटे। अब हमें खेल समझ नहीं आ रहा कि कारपोरेशन इनको तोड़ रही है, नगर निगम तोड़ रही है मकानों को, अब ये कौन तोड़वा रहा है? और मेरा कहना विधायक जी से ये है कि वो सामने आके मुकाबला करे, पीछे गली में ना बैठे। प्रदर्शन करना है, रोकना है, MLA को अधिकार है, क्षेत्र की जनता के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो विधायक को अधिकार है कि वो सामने खड़ा हो, पर विधायक जी क्या करते हैं, पीछे वाली गली में बैठ जाते हैं और फोटो खिंचवा के दे देते हैं जी मैं बैठा हुआ हूँ। जो मेरा अपना मानना है, ये दिल्ली नगर निगम तोड़ रही है, पहली बार नहर पार मकानों की तोड़फोड़, मकानों की सीलिंग, लोगों को बेफजूली तंग किया जा रहा है। इसके लिए हमने जब दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और पार्षदों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका सीधा सीधा कहना है कि जो कमेटी बनी है बदरपुर के विधायक और आम आदमी पार्टी ने जो कमेटी का गठन किया है, उसके थ्रू तोड़फोड़ किए जाते हैं, जिनमें एक मेंबर हम भी हैं। तो क्या विधायक के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो अधिकारियों को संदेश दे कि इस तोड़फोड़ को त्वरित रोका जाए? ऐसा है, जो वो कह रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। STF हमारे टाइम में बनी थी जब मैं विधायक था, STF को उसी टाइम खत्म कर दिया था। हम सब लोगों ने मिलकर, विधायकों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि भाई ये STF खत्म कर दो, STF नहीं है दिल्ली के अंदर, ये कोई STF मकान नहीं तोड़ रही है, दिल्ली नगर निगम जिसमें सीधा काउंसलर का इन्वॉल्वमेंट है, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
ये मेरा कहना है दावे के साथ। वर्तमान विधायक ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक के कार्यकाल में रामवीर सिंह बिधूरी के कार्यकाल में ओजोन लगा था। जब हमने इसके लिए रामवीर बिधूरी से बातचीत की है तो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कुछ कागजात दिखाते हुए कहा है कि ये ओजोन जो बोलते हैं ये ओजोन नहीं जोन ओ है और ये नेताजी के कार्यकाल में लगा था। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, हमने बाकायदा पूरे क्षेत्र की जनता हमारे साथ गई थी। हम माननीय कमलनाथ जी जो पहले विकास मंत्री थे भारत सरकार के, हम उनको मिले, हमने वो सारी जानकारी उनको दी। जानकारी के बाद एलजी महोदय को बुलाया गया, वो आदेश करे गए कि ओजोन जो भी है वो जमुना के 300 मीटर का दायरा है, उससे बाहर ओजोन नहीं हो सकती। और वो सारा काम कंप्लीट हो गया। और आपने देखा होगा जब मैं शीला दीक्षित को लेकर आया खड्डा कॉलोनी के स्कूल को उद्घाटन करने के लिए, तो हमने घोषणा करा दी थी। उसके बाद 3 महीने तक मकान बने पूरे नहर पार, किसी पुलिस ने किसी डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं रोका, परंतु जानबूझकर वही व्यक्ति एक पत्रकार को ले जाकर और उसके ट्रिबल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगवा दी कि इस जमीन में अगर तुमने ओजोन को खत्म कर दिया, क्योंकि सरकार ने एक विज्ञापन दिया था अखबारों में मीडिया में कि भाई अगर किसी को एतराज हो तो 3 महीने तक उसका जवाब दे सकता है। ये व्यक्ति कोर्ट में चले गए और जानबूझकर, आपने देखा होगा चारों तरफ यहाँ पुलिस लग गई। हमारे क्षेत्र में अफीम जा सकती थी, सब शराब जा सकती थी, पर ईंट नहीं जान देते थे। तो वो जानबूझकर हमारे क्षेत्र का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है तो जो व्यक्ति कह रहा है उसी ने क्षेत्र का बेड़ा गर्क किया है सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं जो तोड़फोड़ हो रही है उसी के आदमी करा रहे हैं और लोगों को तंग किया जा रहा है, लोगों से बहुत मोटी वसूली करी जा रही है। रामवीर बिधूरी ने ये खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि वो अब जो है एमएलए का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? वो बिल्कुल झूठ बोलता है, वो जो कहता है वो करता नहीं है, उसकी फितरत है। मैं उसको बहुत नजदीक से जानता हूं, वो हमेशा ये कहता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक नई मुर्गी फंसाएगा वो, और उससे जब तक चुनाव आएंगे तब तक पूरा खर्चा करवाएगा, फिर कहेगा कि राम सिंह को तुम नहीं हरा सकते, राम सिंह को मैं हरा सकता हूं और तुम सब मेरे साथ लगो। इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करने वाला, इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क करने वाला, और आज वो व्यक्ति जानबूझकर नगर निगम से जो बीजेपी की सरकार है वो मकान तोड़वा रही है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और विधायक की नाकामी है कि विधायक को खुलकर लड़ना चाहिए, गली में नहीं बैठना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, गिरफ्तारी हो जाए इस डेमोलिशन को रोकना चाहिए। नेताजी, वो कार्य विकास कार्य जो वर्तमान विधायक ने अपने समय में की हो और आपके नॉलेज में हो उसके बारे में कुछ? ऐसा है, विधायक ने कुछ नहीं करा, विधायक तो सिर्फ अपना दावत खाता घूम रहा है। और उसने जो टंकी रोड मैंने इतना बढ़िया बनाया था, पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, मैंने उसको उठाकर नाले को भी बनाया, रोड को बनाया उठाकर। अगर ये नाले सफा करा देता, जो ये जैतपुर भागवन के जो नाला हमने बनाया है अगर उसको सफा करा देता तो ये दिक्कत ही नहीं थी। जानबूझकर सिर्फ कमीशन के चक्कर में टंकी रोड को तोड़कर पूरे क्षेत्र को नरक बनाने का काम किया है। और विधायक को पता है कि मैं दोबारा इस क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत सकता, ये तो सुनामी आ गई थी, दोबारा जनता मौका देने वाली नहीं है। नगर निगम में उसके आदमी तीसरे नंबर पर चले गए। हम तो मुकाबला ही हमारा भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे क्षेत्र में जानबूझकर जो निगम पार्षद तोड़वा रहे मकानों को, यही इनकी शरारत है, और इसमें एसटीएफ का कोई रोल नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ और बाकायदा रिकॉर्ड के तहत कहता हूँ। परसों एक पार्क का निर्माण भी हुआ है भट्टे वाली जमीन पर, मीठापुर इलाके में होता है, वहाँ पर किशन पाल गुर्जर जी आए थे, सांसद रमेश बिधूरी जी आए थे भारतीय जनता पार्टी के, और पूर्व विधायक भी थे वहाँ पर। उन्होंने खुले मंच से, पूर्व विधायक ने ये बातें कही है कि हमने इतने विकास के कार्य इस क्षेत्र में कराए हैं जिनकी तुलना और उसके बराबर कोई लकीर खड़ी नहीं कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा किए गए कुछ एक विकास कार्य जो इस क्षेत्र में सर्वोपरि है उनके बारे में। मैं कहना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता जानती है, क्या एनटीपीसी की जो दीवार को कोई नहीं हटा पाया वो आपके क्षेत्र के पर, जब मुझे मौका मिला मैंने उसको 30 फुट पीछे कराया, ये आपके सामने है। खानों में जहां वो दिल्ली का कूड़ा डालना चाहता था मैंने मट्टी भरवाकर बच्चों के, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए 12वीं तक का स्कूल बनाने का काम किया। नहर के ऊपर जो पुल बने हैं आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मेरे टाइम के अंदर बने हैं। और आप ग्रेड बिजली का ये बाकायदा आप आईटीआई लगा के पूछ लो किसने बनाया,
किसने इसका उद्घाटन किया, किसने पैसा दिए। खड्डा कॉलोनी में स्कूल हो, तमाम गली नाली गांवों का विकास हो, शमशान घाट हो, ये सब काम मैंने किए। उसने एक काम किया है, क्षेत्रीय लोगों की कंप्लेंट करी है और लोगों से माल ऐठा, उसने और कुछ नहीं करा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप बदरपुर क्षेत्र की जनता को अपनी ओर से? मैं तो जनता को यही कहना चाहता हूं, वे अच्छे बुरे की पहचान करें। अगर हमने कुछ किया है तो लोग हमें वोट दें, हमें समर्थन करें। और जो आज झूठ बोलते फिर रहे ये बीजेपी के भाई, इनको देख ले आज क्या नहर पार पूरे क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया। आप आम आदमी पार्टी ने बड़े वादे किए देश दिल्ली की जनता को, 500 स्कूल खुल जाएंगे, हर एक को रोजगार मिल जाएगा, बिजली आप पानी माफ। आज क्षेत्र का हाल बहुत बुरा हो गया है। आज हर व्यक्ति हमारे पास आता है, कहता है जी बहुत दुखी है जनता। तो मैं साथियों आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि अच्छे बुरे को पहचाने। नेताजी एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण रखता है। एक तरफ रामवीर और एक तरफ राम सिंह, ये दो दिग्गज होते थे इसमें, और तीसरे आए हैं नारायण दत्त शर्मा। अब क्या मानते हैं आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें नारायण दत्त शर्मा ऊपर जाएंगे या आप दोनों के बीच कड़ी टक्कर? ऐसा है, नारायण दत्त शर्मा जी तो सुनामी आई उसमें बन गए, दोबारा उन भाई का नंबर आने वाला नहीं है, उसे भी मालूम है। यहाँ तो मुकाबला बीजेपी के साथ होना है और किसी के साथ है। आप अपनी जगह कहाँ मानते हैं? हम जीते हुए चुनाव, जनता हमें लोगों को देख लिया, सबको, लोगों ने हर व्यक्ति को देख लिया। लोग सेवक को तलाश में है कि सेवा कौन करता है, कौन विकास करता है। अब इस पार्क के 4 बार तो उद्घाटन हो लिया, जिस पार्क की आप बात कर रहे हैं अब फिर उद्घाटन हो गया। उसने हॉस्पिटल का भी रामवीर ने उद्घाटन करा था, अब कहां हॉस्पिटल स्कूल के सामने तो बोल रहे हैं विधायक जी रुको। अरे नहीं, उसने उसका काम एक सूत्री कार्यक्रम है। अब कल आप पत्थर को ले लीजिए, जो पत्थर लगा है वहां पर, और रमेश मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी से, उसके नाम के आगे चेपी लगा के फोटो खिंचवा के अखबार में दे दिया, वीर पंजाब केसरी में, नहीं पता आपको? तो मैं आपको बता रहा हूं, रामवीर हमारा भाई बहुत चतुर चालाक है, वो एक जो कहता है वो करता नहीं है। देख रहे हैं आप, हम बात कर रहे थे बदरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी से। इन्होंने बताया कि यहाँ की जनता सेवक को चुनेगी और आगामी चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी का मोटिव है और जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ से नेता राम सिंह नेताजी हैं, ये अव्वल नंबर पर होंगे। रही बात क्षेत्रीय विधायक पर, तो उन पर भी इन्होंने तीखे हमले किए, लेकिन अपनी टक्कर रामवीर बिधूरी से की है और उनसे जीतने का दावा कर रहे हैं। होता क्या है कि आने वाले समय में नेताजी दोबारा यहाँ से विधायक बनते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज 24, बदरपुर दिल्ली।